सभी लोग जल्दी से आ जाइए ताकि हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी पर। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, हम लोग सेशन को स्टार्ट करें तभी। बिल्कुल जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग। और जल्दी से टेस्ट देने के लिए हो जाइए तैयार। ओके, जो आपका टेस्ट है आपको उस पर जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स देना है और देखना है कि लास्ट में कौन टॉपर होता है। एक टेस्ट हो चुका है, दूसरा टेस्ट आज है आपका। ठीक है, तो एक बार क्या कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक के संग संग शेयर कर दो वीडियो को जल्दी से बेटा। बिल्कुल, कि आपको यहां पर क्या डालना है, लेट्स क्रैक एसएससी, जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो जाओगे टेलीग्राम ऐप पर। बाकी आपको वहां पे कोई क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हो। इस शेड्यूल को पूरा पूरा आपको फॉलो करना है, क्योंकि इस शेड्यूल को फॉलो करने पर आपको एसएससी की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपको कोर्स को करना है परचेज, और कोर्स को करके परचेज करके आपको यहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स, आपको डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स को परचेज करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को करना है डाउनलोड। वहां पर आपको कोर्स को करना है सेलेक्ट। कोर्स को सेलेक्ट करके आपको जितने महीने का कोर्स चाहिए आपको वो लेना है। आप अपना पहले तो स्ट्रीम देख लो, एसएससी है, यूपीएससी है, रेलवे है, बैंक है, या फिर नीट है, या जेई है। आपको जो भी कोर्स परचेज करना है आप वहां पे वो चीज सेलेक्ट कर लो। देन आप वहां से कोर्स को सेलेक्ट करके आप वहां पे क्या करोगे, कोड को लगाओगे। और कोड को लगाने के लिए आपको यूज करना है SANDEETA। इस कोड का यूज करना है जिससे आपको बिल्कुल 10% का ऑफ मिल जाएगा।
तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, आ गई है ना सबको ये चीज समझ में। तो जल्दी से जुड़ जाइए बेटा सभी लोग। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्तियां स्थापित की गई। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको आंसर देना इस क्वेश्चन का। ओके देन राइट आंसर 25th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में पहला संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? वर्ष में पहला संवैधानिक संशोधन कब किया गया था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। ओके देन राइट आंसर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, तस्वीर के साथ चुनावी सूची तमिलनाडु में किस वर्ष के दौरान पेश की जाती है? सभी लोग राइट आंसर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार की गारंटी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, कौन सा है? सूचना का अधिकार की गारंटी देने वाला विश्व का पहला देश, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ओके द राइट आंसर स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? और यहां पर एक ई ऑप्शन लगा लेते हैं। तो राइट आंसर नन ऑफ दीज। देखो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन पुराना उठाया, जिसकी वजह से उर्जित पटेल ने, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो शक्तिकांत दास होगा। ठीक है, शक्तिकांत दास। यहाँ पर आप जो आंसर लिखोगे वो नन ऑफ दीज रखोगे। ठीक है, शक्तिकांत दास जो कि 25th नंबर के गवर्नर हैं, और RBI का इस्टेब्लिशमेंट 1935 है, हेडक्वार्टर मुंबई है, पुराना हेडक्वार्टर, पुराने की बात करें कोलकाता था, जिसको 1937 में शिफ्ट किया गया था मुंबई में। ओके
ओके, फोर गवर्नर, डिप्टी गवर्नर होते हैं, पता होगा, फोर डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक्ट क्या है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट था, एक्ट क्या है, तो याद रखिएगा 1934, और नेशनलाइजेशन जब भी पूछा जाए तो आपका ध्यान होना चाहिए 1949। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? जी बिल्कुल, ओके, देन राइट आंसर इज खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको करेक्ट आंसर देना है। ओके, देन राइट आंसर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नोबेल पुरस्कार कब जीता? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नोबेल पुरस्कार कब जीता? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताइए। फटाफट फटाफट। ओके, द राइट आंसर 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश किस समिति में स्थित है जो शांति पुरस्कार के लिए विजेताओं का चयन करता है? बिल्कुल कीप साइलेंट से आंसर बस देते रहो। ओके, क्योंकि ये टेस्ट चल रहा है, ठीक, टेस्ट सीरीज चल रही है, मजाक वाला काम नहीं है। ओके, देन राइट आंसर इज नॉर्वे। नॉर्वे जिसकी कैपिटल है ओस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी जल विद्युत परिसर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो राइट आंसर इज भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन दिव्य किसके द्वारा लिखा गया था? जीवन दिव्य किसके द्वारा लिखा गया था? ओ, फटाफट फटाफट आंसर दो।
राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय साधना पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय साधना पुरस्कार किसे दिया गया था? फटाफट बताइए. ओके, द राइट आंसर इज मदर टेरेसा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ईसा पूर्व के क्षेत्र में राय अवार्ड दिया जाता है किस क्षेत्र में? ईसा पूर्व के किस क्षेत्र में राय अवार्ड दिया जाता है? ओके, द राइट आंसर इज जर्नलिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित भारतीयों में से किसे विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? चलो भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से. ओके, द राइट आंसर इज सत्यजीत राय. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑस्कर अवार्ड 36 बार किसने जीता है? तो राइट आंसर इज चार्ली चैपलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट. ओके, द राइट आंसर इज ऋग्वेद. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पुष्य मार्ग हिंदू धर्म का एक वैष्णव संप्रदाय है जिसकी स्थापना किसने की? हाँ जी, बताइए फटाफट. ओके, द राइट आंसर
आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रा ड्यूरा क्या है? राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध किताब उल हिंद किसने लिखी है? राइट आंसर अल बिरुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुज दिल्ली डोर एस्ट किसने कहा? तो राइट आंसर निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट एक अच्छा वीड़ा खिलाड़ी था? दीजिए दीजिए भाई आंसर दीजिए, टेस्ट सीरीज है आपके लिए और आपको देना है राइट आंसर। राइट आंसर इज औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बावन कहानियों वाले तूती नामा की प्रसिद्ध फारसी श्रृंखला के लेखक कौन थे? बावन कहानियों वाले तूती नामा की प्रसिद्ध फारसी श्रृंखला के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर इज हां जी बेटा भैया आंसर बताते हुए चलो जल्दी जल्दी, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ओके ओके देन राइट आंसर इज शाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैतवाद के वैष्णव धर्मशास्त्र का प्रचार किसने किया? द्वैतवाद के वैष्णव धर्मशास्त्र का प्रचार किसने किया? और ये आप क्वेश्चन मान के चलिए, ये आप चाहे सीजीएल का पेपर हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे आपका यूपीएससी का हो, चाहे आपका रेलवे का पेपर हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम एनी एसएससी एग्जाम, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते ही रहेंगे ये सारे एग्जाम्स के लिए बेटा। तो राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी है? और देखी भी होगी फिल्म, आई थी पद्मावत मूवी, याद है? ओके द राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटाला मस्जिद जिसे सुल्तान इब्राहिम ने बनवाया था कहाँ पर स्थित है? अटाला मस्जिद जिसे सुल्तान इब्राहिम ने बनवाया था कहाँ पर स्थित है? जौनपुर, कानपुर, आगरा, मैसूर, बताइए बताइए फटाफट राइट आंसर। ओके देन राइट आंसर इज जौनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। करेक्ट आंसर इज
ओके द राइट आंसर इज तमिलनाडु. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? फटाफट फटाफट आंसर. ओके द राइट आंसर इज हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओके देन राइट आंसर इज कोलकाता. नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, पता है ना आप लोगों को? वेरी गुड. भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत का पहला ओपन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? हाँ जी हाँ जी, फटाफट फटाफट आंसर बताइए. जबरदस्त, राइट आंसर इज हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा सूखा डॉक कहाँ स्थित है? ड्राई डॉक कहाँ पर स्थित है? मुंबई, कोची, कोलकाता, मरमुगाव. फटाफट. करेक्ट आंसर है लास्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू पट्टा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू पट्टा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए भाई करेक्ट आंसर दीजिए. ओके द राइट आंसर इज मिनट, कुछ दिक्कत आ रही है. ओके देन राइट आंसर महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. फटाफट. ओके ओके फटाफट आंसर दीजिए. राइट आंसर इज ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता होगा स्वर्ण टेम्पल, गोल्डन टेम्पल. बच्चा बच्चा जानता है यार गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है, और सबके सही आंसर आएंगे. नहीं, एक छोटा सा बच्चा, सब लोग. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए. इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल, पुणे, फरीदाबाद, लखनऊ. भोपाल, पुणे, फरीदाबाद, लखनऊ. राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल, पुणे, फरीदाबाद, लखनऊ. क्या होगा भाई राइट आंसर? तो राइट आंसर है फरीदाबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में किसकी समाधि को विजय घाट कहा जाता है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है.
राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या जगजीवन राम? हाँ जी बच्चा, लोग सभी लोग आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आंसर देंगे। हाँ ओके, तो देख लेते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहाँ में कब स्थापित किया गया था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आपको पता है ये कौन है? ये आपकी वर्ल्ड बैंक की एसोसिएट बॉडी है। आपको बताना है ये कब स्थापित की गई है। सबको करेक्ट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो राइट आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, दिल्ली, बैंकॉक, हांगकांग? एंड करेक्ट आंसर इज, हाँ बेटा सभी लोग बताएंगे राइट आंसर, सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर बताएंगे। ओके, द राइट आंसर इज मनीला, फिलीपींस। पता है ना 1966 में स्टैब्लिश हुआ था, ये भी आपको पता होगा। 69 मेंबर है, ये भी पता होगा। नहीं पता है तो जान लो। विश्व बैंक की कौन सी बहन, बहन मतलब छोटी बहन संगठन, इक्विटी और ऋण के रूप में दीर्घकालिक पूंजी के साथ परियोजनाओं के वित्त पोषण द्वारा विकासशील देशों में निजी गतिविधियों में मदद करती है? बताइए, एडीबी, आईएमएफ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन? बताइए कौन सी बहन मदद करती है। हाँ, फटाफट बताएंगे सभी लोग आंसर। ओके, तो राइट आंसर देख लेते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कभी आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक की छोटी बहन कौन है, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है छोटी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है बताओ भाई, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? फटाफट फटाफट सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। राइट आंसर एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा था? क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा था? भाई जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सब आप लोगों के लिए ही है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी। क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने वाला पहला भारतीय बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक। और आपको बता दूं मैं, एसबीआई पहला, फर्स्ट, सबसे टॉप पर एसबीआई है पब्लिक सेक्टर में, दूसरा पीएनबी है, तीसरा बीओबी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो राइट आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। ओके, द राइट आंसर इज बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बच्चा बच्चा जानता है यार, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जल्दी से दे दो आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कबड्डी, क्रिकेट, चेस, हॉकी? चलो फटाफट।
रेट के हुए डान जाते हैं हॉकी। आपको पता है ध्यानचंद ट्रॉफी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्रिकेट, कबड्डी, चेस, जूडो। आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? फिर हम तो बताएंगे ही बैठे हैं बताने के लिए राइट आंसर। ओके, तो राइट आंसर जल्दी से बता दो बेटा। राइट आंसर जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पोलो खेल प्रचलित था? बिहार, मणिपुर, आसाम, कर्नाटक। भारत के किस राज्य में पोलो खेल प्रचलित था? बिहार, मणिपुर, आसाम, कर्नाटका। आपको बताना है इसमें से राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को? राइट आंसर इज मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का अभ्यास किसने शुरू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पोलो खेलते समय एक लोगों की क्या हो गई थी? डेथ भी हो गई थी। बताइए भारत में पोलो खेल का अभ्यास किसने शुरू किया? चलो भाई, करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताएंगे आप सभी लोग आंसर क्वेश्चन का। तो राइट आंसर टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की जांच किसके द्वारा आयोजित की जाती है? द इंक्वायरी ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन इज कंडक्टेड बाय। चलो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा। हाँ, सभी लोग बताओ बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक लोग को नहीं बताना है, सबको बताना है। जितने लोग जुड़े हैं सभी को बताना है। तो राइट आंसर है सरकार या कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? चलिए बच्चा लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताओ भाई। 6 26 26 1949। दिसंबर नवंबर का फर्क है, जून। तो राइट आंसर इज 6 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान एक है कैसा? ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरी ब्रीफ है, मीडियम है? बताओ भाई, आपको पता होना चाहिए यार। ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन है, अगर कायदे से पढ़ा होगा किसी ने भी पॉलिटी। जल्दी बताओ। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, पार्टी रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल है, या इनमें से कोई नहीं है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी से बताइए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल फटाफट। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है ताकि आप लोग को हेल्प मिलती रहे। आप लोग अपने आप को जज करते रहे कि टेस्ट सीरीज इसीलिए रखी जाती है। पार्टली रिजिड पार्टली फ्लैक्सिबल, थोड़ा लचीला थोड़ा कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची के कितने आइटम शामिल हैं? भारतीय संविधान में संवर्ती सूची में कितने आइटम शामिल हैं? चलो 47 66 96 99। विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर? राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो राइट आंसर 47 आइटम्स। तो ये थे आपके कितने, ये थे आपके 50 क्वेश्चंस के टेस्ट। ये जो टेस्ट सीरीज है ये होती है खत्म। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके आउट ऑफ 50 कितने कितने मार्क्स आए, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। टॉप पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, फोर्थ पर कौन है, फिफ्थ पर कौन है, अपने अकॉर्डिंग बताइए। देख फिर मुझे तो खैर पता ही चल जाएगा। तो जल्दी से बताओ राइट आंसर जितने लोगों ने दिया है आप बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है, आउट ऑफ 50 कितने 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 मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना लाइक, लाइक के साथ साथ कर देना शेयर। थैंक यू सो मच क्लास आप लोगों को लगातार बने रहने के लिए और आपको लगातार टेस्ट सीरीज के आंसर देने के लिए। कोड का ध्यान रखना है SANGEETA, कोर्स को जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए बेटा, नहीं तो आप ऐसा ना हो एग्जाम से पीछे हो जाएं, लोग आगे निकल जाएं। ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सब्सक्राइब करने के बाद। तो सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। ओके, बस इसी तरीके से लगातार आपको हमारे साथ रहना है, लगातार साथ जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का लगातार बने रहने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।